بسم الله الرحمن الرحيم. सवाल यह है कि मुझे जो नुकसान मिल रहा है, एक और आपको मिसाल देके क्लियर कर दूं। असल ये कि हम इस नुकसान को जो बचने की कोशिश करते हैं, वो जो हम बच रहे हैं वो दुनियावी एतबार से बच रहे हैं, उखरवी एतबार से बच रहे हैं। एक बूढ़ी खातून सातवें इमाम की खिदमत में आई और कहने लगी, मौला मुझे एक बीमारी है और मुझे हकीम ने कहा है कि तुम शराब पियो, बच जाओगी। तो मौला पियूं कि नहीं पियूं? इमाम ने कहा, अगर पियोगी बच तो जाओगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि तुम पियो। तो वो मिसाल देती है, कहती है, मौला एक सेब हो, उसके बीच से निस्फ किया जाए, दो टुकड़े किए जाएं, और आप मुझे कहें कि ये आधा खाओ सही है या आधा नहीं खाना, मैं आपका मानूंगी, वो आधा खाऊंगी, वो आधा छोड़ दूंगा। सेब एक ही है, लेकिन जब आप कहेंगे तो मेरे लिए हलाल हो जाएगा, जब आप कहेंगे मेरे हलाल हो जाएगा। ये है अक्ल इलाही, ये है वसल्लमु तस्लीमा, कि हमें ये देखना है कि जो वहम, जो डर, जो खौफ, जिस भी राह पे मैं चलूं, इस राह पे मैं चल रहा हूं, अगर वो मेरी आखिरत को तबाह कर रहा है तो मुझे नहीं करना, लेकिन अगर उसमें मेरी आखिरत की कामयाबी है तो मुझे उस राह पे चलना है। जिस तरह हम जिहाद का रास्ता बताते हैं, आपकी अक्ल दुनियावी कहेगी नहीं जाना, क्योंकि जिस्म आपका तबाह हो जाएगा, लेकिन अक्ल उखरवी कहेगी क्योंकि इमाम ने कहा है इस रास्ते पर चलो, इसमें कामयाबी है। उसके लिए आपको जिंदा मिसाल करबला की मिसाल है कि जाते हुए किसी के चेहरे पर पशेमानी नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर रौनकें थीं। और जब जनाब कासिम से पूछा गया कि कैफ इंदक मौत, ये भतीजे मौत तेरे लिए कैसी है, फरमाया, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी है। तो ये अक्ल इलाही हो तो उनके लिए मौत मीठी लगती है, लेकिन अक्ल दुनियावी हो तो मौत उनके लिए कड़वी होती है।